सर्च करें तो सबसे पहले जो पिक्चर्स नज़र आती हैं ना वो इस गांव की आती हैं और ये सारी आवाम वही पिक्चर्स लेने के लिए आई है। लेकिन जो हैंड हुआ है ना वो ये हुआ है कि सूरज के आगे तो आगे बादल और पीछे बादल है ही नहीं, तो कंपोजिशन किसी की भी अच्छी नहीं आई। चलो खैर, बाहर बहुत सर्दी है और हवा है, हम लोग इधर अपनी कॉफ़ी बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हमें हल्की सी सर्दी लग रही है लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग रायने में हैं, ये लोफोटन का मेन जो आइकॉनिक विलेज है वो है, तीन विलेजेस हैं, हमनॉय, सक्रिसॉय और रायने। रात को हम यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे अरोरा की और सुबह सुबह सनराइज़ की, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। अभी नाश्ता करेंगे सबसे पहले और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे ये विलेजेस। क्या कर रहे हो? डबो डबो के खा रहा हूँ उसके बगैर मजा नहीं आता। बहुत फिट बनी है कॉफी। कॉफी के क्या फील हो रहा है? भूख लग रही है। भूख तो नहीं है। मैं अभी अपनी हाइक के स्टार्ट पे पहुंचा हूँ। इस हाइक का नाम है राइनेब्रिंगेन, यहाँ की सबसे मशहूर हाइक है। और आजकल मसला ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको करना स्टार्ट हो गए थे तो जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट जो है ना ख़राब हो गया। तब ये लोग जो है ना शर्पा स्टेप्स वगैरह बना रहे हैं, नेपाल से कुछ लोग बुलाए इन्होंने और अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हुआ। अभी जो है वो वर्न आउट काफ़ी ज़्यादा है और उसके लिए जो है ना उन्होंने कहा क्रैम्पॉन्स एटलीस्ट होने ज़रूरी हैं, तो मैंने तो अपने क्रैम्पॉन्स पहन लिए हैं लेकिन मेरे साथ जो मोहसिन है उसके पास क्रैम्पॉन्स नहीं है तो वो ये हाइक नहीं कर रहा, तो मैं ये हाइक कर रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कैसी हाइक है और पॉसिबल है ऊपर जाना कि नहीं है। होपफुली इट्स पॉसिबल। तकरीबन 1/3 हो गया, यहाँ तक तो रास्ता ठीक था और लेकिन काफ़ी स्टीप है आप देख सकते हैं और काफ़ी स्लिपरी है क्योंकि सारी जो है वो हार्ड स्नो है, कुछ जगहों पे फ्रेश है कुछ जगहों पे हार्ड स्नो है। अभी मैं थोड़ी टी वगैरह बना के लेके आया था तो वो पी रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। आज हवा नहीं चल रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा है तो इस वजह से काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो आई फाइनली मेड इट टू द टॉप। रास्ता जो था बहुत ज़्यादा स्टीप था और बहुत ख़तरनाक भी था, मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा था। आई थिंक आई शुडंट हैव ट्राइड इट बट एनी वे आई होप आई मेक इट बैक सेफली। अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगा, कुछ खाना पीना फिर नीचे जाना, लेकिन व्यू इज़ इम्प्रेसिव, चारों तरफ बहुत खूबसूरत है। सो इट्स टाइम टू गो बैक डाउन सेफली और इस दौरान कोई फिल्मिंग नहीं होगी, नीचे जाके इट्स टू डेंजरस।
Alhamdulillah, made safely back. It was really good. View bahut ala tha aur mausam bhi acha tha. Aur ab Mohsin aa gaya lene ke liye. यहाँ पर बहुत फिश की बू आ रही है. ये इन्होंने फिश डाली है सुखाने के लिए. अल्लाह जाने ये सूखती कैसे इतनी सर्दी में, ये इनको ही पता है. लेकिन ये आप देखिए, ये उसका सारा है ज़्यादातर ना, बाकी सारी चीज़ें लगता है ये लोग खुद खा गए हैं. I'm so tired. जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ऑलमोस्ट हर रोज़ जो है 2-3 बजे सोते हैं और सुबह जो है ना सनराइज़ के लिए बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि रात को अरोरा हंटिंग और सुबह सनराइज़ पिक्चर्स. आज भी अरोरा हंटिंग कर रहे थे लेकिन देयर वाज सम एक्टिविटी बट नथिंग टू स्पेक्टेकुलर. सो अब हम लोग जो है वो सोएंगे. होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया. Just like every day. अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.